वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए 65 बीपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही थी, 33 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे, यह है टेस्ट नंबर 34। इंपॉर्टेंट होंगे सारे के सारे प्रश्न। इससे पहले जो टेस्ट डाला था यूपी ट्रिपल एससी लोअर सबऑर्डिनेट टेस्ट नंबर 84 में दो प्रश्नों में कुछ तीव्र गति से पढ़ाने के चक्कर में मिस्टेक हो गई है, मतलब बोलने में त्रुटि हो गई है लेकिन लिखा वहाँ पर सही है। जो कड़कनाथ मुर्गा है वो महाराष्ट्र का नहीं है, मध्य प्रदेश का है, अगर गलती से महाराष्ट्र बोला हो तो। और जो 26 जनवरी 2019 की परेड पर इंडिया में अपने देश में जो मुख्य अतिथि थे इस बार वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है सिरिल रामाफोसा। सिरिल रामाफोसा करेक्ट है लेकिन दक्षिण अफ्रीका की जगह कोरिया अगर वहाँ बोला है तो गलत है, वो कोरिया के नहीं है, दक्षिण अफ्रीका के हैं, साउथ अफ्रीका के हैं, साउथ कोरिया के नहीं, ध्यान देना। वैसे कमेंट कर दिया नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल 65वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2019 के लिए टेस्ट नंबर 34 इंपॉर्टेंट है, 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, ऑफिशियली डेट है। एक प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दीजिए इसका आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तीव्र गति से पढ़ाऊंगा इसको भी, ध्यान दीजिएगा। तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली पर किस वंश का शासन था, बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में। तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली पर किस वंश का शासन था, तुगलक वंश का शासन था, किसका था, तुगलक वंश का शासन था। तो तैमूर ने 1398 में भारत पर जब आक्रमण किया था उस समय दिल्ली पर, दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासन था। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य के शासक ने शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी थी, किस राज्य के शासक ने दी थी, बिहार के शासक ने दी थी। तो शेर शाह का बचपन का नाम था फरीद और उसे बिहार के शासक ने शेर खां की उपाधि उस समय दी थी जब उसने शेर को मारा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, शेर शाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, मतलब असत्य है। उसे अपने पिता से जौनपुर जागीर में मिला, करेक्ट। वह मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उत्तर भारत में बड़ा साम्राज्य स्थापित करने वाला शासक बना, ये भी करेक्ट है। उसके द्वारा बनाई गई सड़कों व सरायों को साम्राज्य की धमनियां कहा गया, करेक्ट। उसने कश्मीर तक साम्राज्य विस्तार किया, देखिए गलत है, कश्मीर तक तो विस्तार कर ही नहीं पाया था, वो सिंधु नदी तक फैलाया था उसने। तो शेरशाह का साम्राज्य बंगाल से लेकर सिंधु नदी तक फैला हुआ था परंतु उसमें कश्मीर शामिल नहीं था, पश्चिम में वह मालवा और राजस्थान को भी जीत चुका था। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुगल काल में शेर मंडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, किससे संबंधित था, हुमायूं का पुस्तकालय था शेरमंडल। तो मुगल काल में हुमायूं एक ऐसा शासक था जिसने पुस्तकालय का निर्माण करवाया और उसे वह शेरमंडल कहता था, अजीब बात है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अलाउद्दीन के किस कृपा पात्र ने तुगलक राजवंश की स्थापना की थी, कौन था अलाउद्दीन का कृपा पात्र जिसने कर दी थी तुगलक राजवंश की स्थापना, गाजी मलिक मतलब गयासुद्दीन तुगलक। तो 1320 में गयासुद्दीन तुगलक जिसको कहा जाता है गाजी मलिक ने एक नए राजवंश की स्थापना की जो 1412 तक चलता रहा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मलिक काफूर को किस आक्रमण के तहत बंदी बनाया गया था, बताइए किस आक्रमण के तहत, गुजरात आक्रमण के तहत उसको बंदी बना लिया गया था। तो जब दिल्ली सल्तनत की सेना गुजरात आक्रमण के दौरान गुजरात अहिलवाड़ को लूटते हुए सोमनाथ मंदिर में लूटपाट कर रही थी तभी उसने मलिक काफूर को बंदी बनाया और अलाउद्दीन को सौंप दिया जिसने शीघ्र ही सुल्तान का विश्वास जीत लिया और सैनिक अभियानों का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 7 है, नकद वेतन देने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, कौन था नकद वेतन देने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाने वाला। तो अलाउद्दीन का भू राजस्व को नकद वसूलने के पीछे यही उद्देश्य था कि वह अपने सिपाहियों को नकद वेतन दे सके, इस वेतन से सैनिक अपना गुजारा घोड़े की देखरेख तथा साज सामान को दुरुस्त रखता था। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसके विस्तार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर को ही विभाग की स्थापना की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन तरह से है, दीवान अमीर को ही की स्थापना किसने की और ये किस से संबंधित था, क्या था दीवान ए अमीर को ही, कृषि विभाग था ये एक, क्या था दीवान अमीर को ही, कृषि विभाग था और इसकी स्थापना किसने की, एम बी टी मोहम्मद बिन तुगलक ने।
तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कृषि के विस्तार व सुधार करने के लिए एक योजना आरंभ की, जिसे दीवान ए अमीर को ही विभाग कहा गया। इसके तहत पूरे इलाके को विकास खंडों में विभाजित करके प्रचंड अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जिसका कार्य किसानों को कर्ज देकर कृषि का विस्तार करना होता था। तीन चीज़ें याद रखिए, दीवान ए अमीर को ही की स्थापना किसने, MBT मोहम्मद बिन तुगलक, और था क्या ये, कृषि विभाग था। क्वेश्चन नंबर 9 है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि प्रदान की थी, किसको, राजा रायचंद्र को। तो मलिक काफूर ने जब देवगिरी पर आक्रमण किया तो राजा राय रामचंद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया। खिलजी ने उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया और उसे राय रायन की उपाधि दी तथा उसे अपने पद से फिर प्रतिष्ठित कर दिया। तो किसे, राजा राय रामचंद्र को, ऑप्शन नंबर बी। यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया बताइए, ये किया था हेनरी विवियन डेरोजियो। इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इसको। तो 19वीं सदी के तीसरे दशक के अंतिम वर्षों के दौरान बंगाली बुद्धिजीवियों के बीच एक अमूल परिवर्तितकारी प्रवृत्ति पैदा हुई। तो यह प्रवृत्ति राजा राममोहन राय की अपेक्षा अधिक आधुनिक थी, जिसे यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का नेता और प्रेरक नौजवान एंग्लो इंडियन हेनरी विबियन डेरोजियो था। देखिए, परिवर्तनकारी प्रवृत्ति है, सॉरी फॉर दिस, थोड़ी त्रुटि है, परिवर्तनकारी प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 11 है, देवेंद्र नाथ ठाकुर या बोला जाता है कभी कभी टैगोर, कहीं कहीं लिखा रहता है, द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी, आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। देखिए, हल्की त्रुटि त्रुटि, आत्मीय सभा नहीं, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी देवेंद्र नाथ ठाकुर या टैगोर के द्वारा। तो राजा राममोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर ने 1839 में तत्वबोधनी सभा की स्थापना की। तत्वबोधनी सभा और उसके मुख्य पत्र तत्वबोधनी पत्रिका ने बंगला भाषा में भारत के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया। क्वेश्चन नंबर 12वां प्रश्न है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का निधन निम्नलिखित में से किस सन में हुआ या कब हुआ। तो इम्पॉर्टेंट है, 1948 तो सबको पता होगा, लेकिन सन भी याद रखिए इसकी, डेट के साथ याद रखिए इस सन को, सीधे सीधे पूछ सकता है। तो 30 जनवरी 1948, जन्म तो सबको पता होगा 2 अक्टूबर को, और 10 जनवरी भी याद रखिए, इनकी पुण्यतिथि है 30 जनवरी 1948 को। तो 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। वह गांधी जी के इस दृढ़ विचार से मतभेद रखता था कि हिंदू और मुसलमानों को सद्भावना बनाते हुए इकट्ठे रहना चाहिए। उसी शाम हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना, दोस्तों साथियों, हमारी ज़िंदगी की रोशनी बुझ गई है और चारों तरफ अंधेरा है, हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ, इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को बहुत पूछते हैं, इसका आंसर है लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, इस तरह से प्रश्न बनाते हैं लॉर्ड रिपन को। तो स्थानीय स्वशासन की दिशा में बहुत हिचकिचाते हुए एक कदम 1882 में लॉर्ड रिपन की सरकार ने उठाया। एक सरकारी प्रस्ताव में ग्रामीण, नगरीय और स्थानीय संस्थाओं द्वारा, जिनके अधिकांश सदस्य गैर अधिकारी हों, स्थानीय मामलों के प्रबंध की एक नीति निर्धारित की गई। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, कौन है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। तो 1835 में चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया। इस कदम का शिक्षित भारतीयों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया और इसी कारण चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। देखिए, कुछ ऐसे प्रश्न हैं वैकल्पिक, जिनके लिए ऑप्शन की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, जैसे ये वाला प्रश्न, सीधे टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, विदेशों द्वारा भारत में मुक्त व्यापार की नीति को कब लागू किया गया, कब लागू किया गया था, 1813 में। तो
तो अंग्रेज़ों द्वारा 1813 में भारत के ऊपर एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति लाद दी गई, जिसको बोला जाता है चार्टर एक्ट 1813 का। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी, बम्बई में स्थापित की गई थी। कहाँ पर स्थापित की गई थी, बम्बई में। तो भारत में पहली कपड़ा मिल 1853 में काबसजी नाना भाई ने बम्बई में शुरू की, और पहली जूट मिल 1855 में सिरसा बंगाल में स्थापित की गई। भारत में पहली कपड़ा मिल 1853 में काबसजी नाना भाई ने बम्बई में शुरू की, और पहली जूट मिल 1855 में सिरसा बंगाल में। दो दो बार हो गया, रिपीट याद कर लीजिए इसको। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी, बताइए। तो ये की थी 1866 में लंदन में। तो 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, कौन था बताइए। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल इम्पॉर्टेंट है, लॉर्ड कैनिंग। देखिए कुछ प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, जैसे 1857 में गवर्नर जनरल कौन था, और जब 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी हुई उस समय गवर्नर जनरल कौन था। इस तरह से घुमा फिरा के प्रश्न पूछते हैं। 1905 के समय गवर्नर जनरल कौन था, इस तरह से याद रखिए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन नंबर 19 है, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, और प्रतिनिधि कौन था, महात्मा गांधी की। तो गांधी इरविन समझौते के पश्चात कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कांग्रेस की ओर से गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे, याद रखना। 20वां प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रहते देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। किस आंदोलन में कह सकते हैं, बताइए। तो ये सबसे लास्ट का जो आंदोलन था 1942 का, भारत छोड़ो आंदोलन में, जिन्होंने इसमें करो या मरो का भी नारा दिया था, करो या मरो के नारे के साथ ये वाला नारा भी दिया था। तो 8 अगस्त 1942 की रात, जिस दिन कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया, गांधी जी ने भारतवासियों से कहा कि मैं आपको छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ, आप इसे अपने दिल में सजो कर रख लें और हर एक सांस में इसका जाप करें। वह मंत्र है करो या मरो, हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रहते देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। इम्पॉर्टेंट है। तो 20 प्रश्न थे, अच्छे से इनका रिवीजन कर लेना, हर दिन प्रैक्टिस, जैसे कि बताता हूँ 5 MCQ 10 MCQ 25 MCQ 50 MCQ सॉल्व करते रहिए। एक लाइक कर देना टेस्ट पसंद आता है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। जितनी भी प्लेलिस्ट, जितनी भी टेस्ट सीरीज़ इस चैनल पर चल रही हैं, उन सबकी प्लेलिस्ट बना रखी है, और उस प्लेलिस्ट का लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अपनी इच्छा के अनुसार उसको विजिट कर लीजिए। धन्यवाद।